हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं DSSSP PGT इंग्लिश पेपर 2018 का, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। और ये वीडियो का हमारा जो है इस सीरीज का ये पार्ट सेकेंड है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट और उससे रिलेटेड और अदर पार्ट्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर DSSSP PGT से रिलेटेड, आपको वो 2014 का जो पेपर हुआ था उससे भी रिलेटेड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप मुझको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड मेरा जो यूजर नेम है वो है एंग्लेट जोन, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। चलिए बात कर लेते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। व्हिच इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट इन प्ले राइटिंग। प्ले राइटिंग में मेजर एस्पेक्ट कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। एंड वी हैव द ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए प्लॉट, ऑप्शन बी जॉनर, ऑप्शन डी डायलॉग और ऑप्शन डी वी हैव। ऑप्शन डी है क्लिशे। एंड जो हमारा इस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है आप सभी ने दे दिया होगा, क्योंकि प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम कोई ड्रामा लिख रहे होते हैं। जॉनर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कौन सा जॉनर है, ट्रेजिक है, कॉमिक है, या आपका ट्रेजिक कॉमिक प्ले है या क्रॉनिकल प्ले है, किस तरीके का प्ले है वो भी इम्पोर्टेंट होता है वाइल राइटिंग ड्रामा। एंड डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी कन्वर्सेशन या जो भी यहाँ पे परफॉर्म होते हैं प्ले, जो भी लिखे जाते हैं वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो भी कन्वर्सेशन होती है वो डायलॉग के फॉर्म में होती है। एक कैरेक्टर बोलता है अपने डायलॉग को, तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा कैरेक्टर बोलता है। सो ए बी एंड सी इज द इम्पोर्टेंट मेजर एस्पेक्ट इन राइटिंग वाइल राइटिंग ड्रामा, बट वी हैव द ऑप्शन डी जो बात कर रहे हैं क्लिशे की, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द प्ले राइटिंग। आप सभी ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा इसके आंसर के साथ में। चलिए और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहां से ज्यादा लोग हमें जुड़ सके इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। एंड बात कर लेते हैं नंबर सेकेंड क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन मुल्कराज आनंद मुनो इन द कुली। मुल्कराज आनंद का जो कुली नॉवेल है और उसका जो कैरेक्टर है मुनो, इज द एसेंशियल एंड अल्टीमेटली अ विक्टिम ऑफ अ डिफरेंट ऑप्रेशन इन सोसाइटी कंपेयर टू दैट विच पाखा इज इन द अनटचेबल गोज थ्रू अ डे। वॉट इज द अदर क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स वेन ऑल दैट इज स्टेटेड एंड ऑन द सर्फेस इज अंडरस्टूड That could be inferred. यहाँ पे बात हो रही है कि भाका एंड मुनो के कैरेक्टर की बात हो रही है, जो कि मुल्कराज आनंद के दो नॉवेल से लिए गए हैं। मुनो इज कैरेक्टराइज इन द नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद, जिसका नेम है कुली। और इस नॉवेल की अगर पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो 1936 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड अनटचेबल, जिसमें भाका का कैरेक्टराइजेशन है, अनटचेबल जो वर्क है दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1935। एंड ये दोनों कैरेक्टर का है कि कुछ इनमें जो एक है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली विक्टिम ऑफ अ डिफरेंट ऑपरेशन इन सोसाइटी कंपेयर टू दैट ऑफ द बाका इन द कैरेक्टर ऑफ द इन द नॉवेल ऑफ द अनटचेबल। तो उसमें एक और आपको बताना है कि दूसरा अदर क्रूशल डिफरेंस इन दोनों कैरेक्टर के बीच में कौन सा है, जो ऑप्शन हमारे पास है उसके थ्रू बताना है। ऑप्शन ए है बाका सफर्स untouchability, Mono is a victim of exploitation. And option B, Baka can be redeemed by a leader. Mono is redemption is death. Baka is a joy boy throughout the novel. Mono grows into a man. Baka can dream. Mono has to exist. तो इसमें कौन सा है कि दोनों जो है वो करेक्ट डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। So, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस किए इस नॉवेल से रिलेटेड। पहला था कुली नॉवेल से रिलेटेड, जो कि पब्लिश हुआ है 1936 में, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा था वो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आप एक्सप्लेनेशन की बात कर लो तो हमारा अनटचेबल नॉवेल से है, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं मुल्कराज आनंद के। ही वॉज द ग्रेट नॉवेल्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिलर रोट इन 1949 के वर्क की बात हो रही है इनके।
आर्थर मिलर की, द क्वालिटी इन सच प्लेस, जैसे ट्रेजेडी की बात हो रही है, दैट डज शेक अस डिराइव्स फ्रॉम द अंडरलाइंग फियर ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड, द डिजास्टर इनहेरेंट इन बीइंग टर्न अवे फ्रॉम आवर chosen image of what and when we are in this world. Among us today, this fear is as strong and perhaps stronger than it was ever. In fact, it is the common man who knows this fear best. And bataya ja raha hai ki which play of Arthur Miller illustrates the highlighted cause. Ye highlighted jo cause ek fear se related hai, usme कौन सा उनका जो प्ले है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे सामने ए बी सी डी, तो ये कौन सा उनका प्ले उनके इस कॉज या हाइलाइटेड कॉज को इलस्ट्रेट करता है या डिस्क्राइब करता है, जो कि उनका वर्क जो लिखा गया था वो 1949 में लिखा गया था। आपने आंसर भी दे दिया होगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है और यहाँ पे मैंने आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने मेंशन कर रखा है। द लास्ट यंकी इनका फर्स्ट प्ले है, इनका 1991 में ये पब्लिश हुआ है। ऑल माई सन्स 1947 का वर्क है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 का वर्क है, एंड द क्रूशिबल इज 1953 का वर्क है। सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, क्योंकि डेथ ऑफ सेल्समैन की यहाँ पे बात हो रही है, जो एक फियर एक डर की बात कर रहा है इस प्ले में, एंड डेथ ऑफ सेल्समैन इज इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ आर्थर मिलर, जो कि लिखा गया है 1949 में। नंबर फोर क्वेश्चन इज What makes women writers in Indian writing in English stand out? इस क्वेश्चन का आंसर देना है, women जो राइटर्स हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की वो कहाँ स्टैंड आउट करती हैं? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है, women writer continue to define the border of the community, class and race. ऑप्शन बी है, women writers are more concerned with exploitation in the name of patriarchy and write from the victim's point of view. ऑप्शन सी, वुमेन राइटर्स आर बेयरली डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कॉलोनियल ऑपरेशन कॉलोनियलिज्म। ऑप्शन डी है, वुमेन राइटर्स आर सेंसिटिव टू व्हाट इंडियन वुमेन हैव सफर्ड अंडर डबल कॉलोनाइजेशन, पैट्रियार्कल एंड कॉलोनियल योग साइमल्टेनियसली। एंड जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। What makes women writers in Indian writing in English stand out? कि मतलब women जो writers हैं Indian English literature की, वो जो English में अपने works को लिखती हैं, तो वो किस तरीके से, किस चीज पे based on अपने work को लिखा करती थी, या किस में वो अपनी चीजों को रखती थी, किस concept से relate करता हुआ? तो यहाँ पे women writers ने जो भी women's Indian women suffer कर रही हैं double colonization में, जैसे एक patriarchal colonization था और एक colonial जो कॉलोनाइजेशन था, उसी से रिलेट करते हुए इनके वर्क्स होते थे, जो कि वुमेन्स राइटर थी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हेमिंगवे एम्प्लॉयज टू नरेट द टेल ऑफ द ओल्ड मैन एंड सी। अब इस यहाँ पे बात हो रही है कि हेमिंगवे के जो नॉवेल, अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल की बात हो रही है, द ओल्ड मैन एंड द सी की बात हो रही है। एम्प्लॉयज टू नरेट द टेल, किस तरीके से उन्होंने अपने टेल को नरेट किया हुआ है इस वर्क में, इस नॉवेल में, द ओल्ड मैन एंड द सी में। एंड ऑप्शंस है मल्टीवोकल नरेटिव, ऑप्शन बी अप्लाई ऑन वॉल टेक्निक, ऑप्शन सी द फर्स्ट पर्सन नरेटर, ऑप्शन डी अ थर्ड पर्सन ओमनीसेंट नरेटर। एंड जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, The third person, omniscient narrator. इसमें जो उन्होंने हेमिंगवे ने narration की जो एक employ किया हुआ technique, that was a third person, omniscient narrator के रूप में उन्होंने इस novel की story को narrate किया हुआ है। Number 6 is, what is the fly in Emily Dickinson's poem, I heard a fly buzz when I died? ये Emily Dickinson के poem की बात हो रही है, जो कि American पोएट थी, पोएटेस थी, एंड उनका जो लाइन था आई हर्ड फ्लाई बर्ज व्हेन आई डाइड, तो फ्लाई किस चीज को डिनोट करता है, ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी तो बिल्कुल भी नहीं इसको डिनोट करता है या इसको एक्सप्रेस करता है, इनके जो ये फ्लाई रिलेट करता है जो वर्ड है। एंड जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए, अ मेटाफर, यहाँ पे फ्लाई को एज अ मेटाफर यूज करा हुआ है बाय एमिली डिकिंसन फॉर हर सोल, उनकी सोल के लिए जो कि उनकी बॉडी को छोड़ रहा है। एंड फ्लाई हियर कैनोट्स डेथ, उनकी डेथ को वो डिनोट करता है इस वर्क,
इस इनके लाइंस में. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. नंबर सेवन क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बिलो कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर कैरेबियन लिटरेचर. कैरेबियन लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, कि उस ऑथर का नाम बताना है जो कि कैरेबियन लिटरेचर से नहीं बिलोंग करता है. एंड वी हैव द ऑप्शंस, ऑप्शन ए डेरेक वॉलकॉट, ऑप्शन बी नैडियन गोल्डमर, ऑप्शन सी बी एस नेपॉल एंड ऑप्शन डी है सीएलआर जेम्स. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नैडियन गोल्डमर इज नॉट द पोएट, इज नॉट द मैन ऑथर हु बिलोंग्स टू द कैरेबियन लिटरेचर. नंबर एट क्वेश्चन इज The torture's initiation into modern life mimic Chan's philosophical over and or undertones in an imaginary land, the part feudal, part modern, setting of inchoate longing and woes, dissatisfactions and intellectual impotence of the marginalized upper caste protagonist and the confused inner life of a fragmented makeshift pre colonial society that has yet to figure out its past or future are the concerns of this novelist. According to the critic, identify the novelist. Identify karna hai novelist ko, about whom this is said. And we have the option. Option A, Raja Ram. Option B, Rabindranath Tagore. Option C, Mulraj Anand. Ya option D, R.K. Narayan. And the correct answer we have here, that is option D. This is said about R.K. Narayan by a critic. एंड ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2018 DSSSB PGTE इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड. एंड नंबर नाइन क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में. नाइन क्वेश्चन जो हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन द रोड बाय सोइंका डिपिक्ट्स द नाइजीरियन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इट रिफ्लेक्ट्स द रोल्स प्लेड बाय ड्रग्स क्रिमिनल्स करप्ट पुलिसमैन एंड unscrupulous politicians. The line is from the road of old Soyinka, may we never walk when the road waits famished. ये lines है the road जो work है old Soyinka का, और जिसमें एक depiction दिया जाता है Nigerian experience का 20th century के according, जो एक policeman, druggist, criminal, corrupt policeman के and politicians की बात कर रहा है इस work में. और आपको बताना है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या क्या महत्व है या क्या ये लाइन एक्सप्रेस करती है. मे वी नेवर वॉक व्हेन द रोड वेट्स फेमिस्ट. एंड व्हाट इट एक्सप्लेन्स इन द लाइन, जो करेक्ट आंसर है मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन ए. इट एक्सप्लेन इट इज अ प्रेयर ऑफ ओग्यूम द गॉड ऑन द रोड इन योरुबा कॉस्मोलॉजी एंड Not simply the road itself that waits hungry. ये यहाँ पे इस question, इस line को denote करता है या इसका line का जो significance है, जो importance है, by this is the meaning of this explained in the first option. Number 10 question is, friends, I hope आपको video पसंद आ रहा होगा. And जो questions मैंने यहाँ पे include किया है वो बहुत important है, उनके जो important facts मैं बता रही हूँ आपको वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे, तो प्लीज इनको नोट डाउन करते चलो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए. अभी शेयर नहीं किया तो इसको शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, जो कि DSSSB इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड है. 2018 का क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. 10 क्वेश्चन है हमारा, एट्स लेमेंट्स इन ईस्टर 1916 ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द चेंज एंड द टेरिबल ब्यूटी रेफर टू हियर. टेरिबल ब्यूटी किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि WB Yeats के पोएम ईस्टर्न 1916 में उन्होंने ये लाइंस एक्सप्लेन की हैं. ऑल चेंज अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न. जो एक्सप्लेनेशन है इसका टेरिबल ब्यूटी का, वो ऑप्शंस के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ. ऑप्शन ए जो है द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शंस, ऑप्शन बी मॉन्टगोम्स चेंज ऑफ माइंड एंड हार्ट, ऑप्शन सी है जो द डॉन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म, ऑप्शन डी अ ग्रोइंग इनडिफरेंस टू नेचर आफ्टर. एंड जो करेक्ट आंसर जो हमारा है नंबर 10 क्वेश्चन के लिए वो है हमारा ऑप्शन ई, द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शंस. ये इस लाइन को डिनेट करता है, टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न. दिस इज द करेक्ट आंसर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है.
ये WBEIDS का. नंबर 11 क्वेश्चन इज द ड्रामेटिस्ट वॉज द फर्स्ट टू यूज कैरेक्टर्स पेयर डाउन टू बेसिक एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स एंड एज सिंबल टू रिटरेट हिज स्टेजियन अनप्लीजेंटली डार्क होता है स्टेजियन का मतलब व्यू ऑफ द ह्यूमन कंडीशन. ही इज ऑल्सो नोन एज द वन हु इनिशिएटेड द थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में आ जाता है या इसे रिलेट करता हुआ तो आप थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को समझ के ही आंसर दीजिएगा. तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन हियर. और जो हमारा करेक्ट आंसर है, हम सभी जानते हैं थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो रिलेट करता है जिस ड्रामेटिस्ट से, दैट वॉज द ऑप्शन डी सैमुअल बेकेट. ऑब्जर्व इनका जो प्ले था दैट वॉज द वेटिंग ऑफ गॉडर्ट. दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ सैमुअल बेकेट. तो ये इम्पोर्टेंट इनका प्ले है. एंड सैमुअल बेकेट के जो बिलोंग करते हैं थिएटर ऑफ ऑब्जर्व से, प्ले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था जिसमें किसी भी प्ले को या जो इसका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, दैट वाज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट वेरी कनेक्टिंग टू द मॉडर्निटी और कनेक्टिंग टू द सोसाइटी या सोशल इश्यूज से जो कनेक्ट नहीं करता था. एंड दैट्स व्हाई सैमुअल बेकेट वेटिंग ऑफ गॉडर्ट इज इम्पोर्टेंट प्ले और जो इसी कॉन्सेप्ट थिएटर ऑफ ऑब्जर्व से रिलेट करता है और वहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ ये इनका आंसर है. नंबर 12 क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लाइन्स वॉट इज इट दैट निज़म अज़ेकल इज रेफरिंग टू. लाइंस की बात कर लेते हैं जिसमें वो रेफर कर रही हैं, आपको बताना है कि वो क्या रेफर कर रही हैं. एंड द लाइन इज देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय अ फ्लो अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस टू अ कोर लुसिडिटी हुज विल इज अनकंट्रोल्ड हियर द मील्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो. ये लाइंस हैं नज़म अज़ेकल की, तो उनको बताना है कि ये लाइन क्या रेफर कर रही है. ऑप्शन ए है वार्मथ ऑफ होमलैंड, ऑप्शन बी इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, ऑप्शन सी फिटनेस ऑफ ग्रेवयार्ड फाइनाइटनेस ऑफ ग्रेवयार्ड या ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये नज़म अज़ेकल का जिसका नेम है फिलोसफी. ये फिलोसफी पोएम है नज़म अज़ेकल का जहाँ से ये लाइन्स इनकी ली गई हैं. एंड What is this line referring? That was option D, understanding life and death. ये refer कर रहा है इस line के through Nazim Azikil, जो कि इस line में उन्होंने depict किया हुआ है. Number 13 question की बात कर लेते हैं. Name the play by George Bernard Shaw, which is about war between gender, shows women as conqueror and posits that is the battle between instinct and intelligence. Instinct always wins. This play has Don Juan as a Savian hero in England as the turn of the century. And the option आपके सामने अवेलेबल है कि इस प्ले की बात हो रही है जॉर्ज बेनॉट शॉ के, जी बी शॉ के. मैन एंड सुपरमैन 1905 का ही प्रीमियर हुआ था. कैंडिडा 1894 का इनका वर्क है, प्रीमियर हुआ था. ऑप्शन सी मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन 1902 का ये प्रीमियर हुआ है ये इनका प्ले. एंड ऑप्शन डी है द डेविल्स डिसिपल 1897 का ये इम्पोर्टेंट वर्क है जीबी शॉ का. और किसमें एक वॉर का जेंडर वॉर का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, दैट वाज फ्रॉम द प्ले ऑफ जीबी शॉ एंड आर्म्स एंड द मैन की बात हो रही है 1905 का, जो कि इम्पोर्टेंट वर्क है. नंबर 14 क्वेश्चन इज इन दिस पोएम टी.एस. एलियट रिफ्लेक्ट्स अपॉन लैंग्वेज टाइम एंड हिस्ट्री. The poem itself could be read as a clear meditation of time. Identify the poem. Poem की बात हो रही है T.S. Eliot के, जो great poet, dramatist and critic थे 20th century modern era के. तो आपको बताना है कि उनके किस poem में meditation of time को जो reflect करता है, आपको उसका answer देना है. Option A है Ash Wednesday 1930 का work है. Option B The Wasteland 1922 में पब्लिश हुआ है. The Four Quartets 1941 का वर्क है. एंड The Love Song of J. Alfred Prufrock 1915 का वर्क है. और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी The Four Quartets, जो कि 1941 का वर्क है T.S. Eliot का. एंड इट रिफ्लेक्ट रिलेटेड टू द लैंग्वेज टाइम एंड हिस्ट्री एंड इट इज रेड एज अ क्लियर मेडिटेशन ऑन टाइम.
नंबर 15 क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. व्हाट डज दिस स्कारलेट लेटर स्टैंड फॉर इन दिस स्कारलेट लेटर? व्हाई इज द कलर स्कारलेट यूज्ड हियर? आपको आंसर देना है और जो आंसर यहाँ पे अवेलेबल है आप, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्टली आंसर आपको दे देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ. और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. इट इज द लेटर ए ऑफ द अल्फाबेट. इट्स कलर इज अ बाइबलिकल रेफरेंस टू द होर ऑफ अ बेबीलोन हु वाज ड्रेस्ड इन अ पर्पल एंड स्कारलेट. तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा. जो स्कारलेट लेटर में ये कुछ स्टैंड करता है और कलर किस लिए यूज करा हुआ है, क्योंकि बेबीलोन होर ऑफ बेबीलोन हु वाज ड्रेस्ड इन अ पर्पल एंड स्कारलेट. और बाइबलिकल, इट इज अ कलर ऑफ रेफरेंस रिलेटेड टू द बाइबलिकल रेफरेंस एंड दैट्स व्हाई दिस इज स्टैंड फॉर हियर इन द स्कारलेट लेटर. एंड आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ली पार्ट सेकेंड में DSSSP PGDE इंग्लिश के पेपर 2018 से. आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. और नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं DSSSP से रिलेटेड. एंड कनेक्ट रहिए चैनल के साथ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Keep watching and keep learning English. Thanks a lot for watching this.